हे गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पीसी और मोबाइल के थ्रू स्ट्रीम कर सकते हैं विदाउट एलगाटो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है जिसका नाम है डोवान। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसका। तो इसके दो वर्जन है, क्लासिक वर्जन और 64-bit वर्जन। तो आपको अपने पीसी के हिसाब से डाउनलोड करना है। जैसे अगर आपका माई कंप्यूटर में जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको दिखा देगा, जैसे 64-bit है मेरा तो मैं 64-bit डाउनलोड करता हूँ। अगर आपका 32 है तो आप क्लासिक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या है, बिल्कुल भी डिले नहीं है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया। मैं आपको इंस्टॉलेशन करके और बेस्ट सेटिंग्स दिखा देता हूँ इसकी, जिससे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ भी नीचे, बस एक USB केबल के थ्रू स्ट्रीम हो सकती है और विदाउट कोई लैग के या फ्रेम ड्रॉप्स के, और क्वालिटी भी बेस्ट आएगी इसके अंदर। तो आपको यहाँ से नॉर्मली इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से रन कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। और इसका मतलब इंटरफेस भी बिल्कुल बेसिक्स है, तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी की तरह। तो जैसे आपका यहाँ पे हो गया, तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स आपको बता देता हूँ इसकी, बेस्ट सेटिंग्स क्या है। तो अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो आप इसको वायर्ड भी कर सकते हैं, वायरलेस भी। तो इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है कि अगर मान लो आपको अपने फ़ोन को साथ साथ चार्जिंग करना है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। इसमें वीडियो ऑडियो, मतलब अगर आपको हेडफोन का जो ऑडियो, जो भी गेम का साउंड होगा आपको पीसी के थ्रू आ जाएगा, इसको इनेबल कर देना है। और रेजोल्यूशन आपको स्क्रीन साइज रखना है, जो भी आपका डिवाइस का स्क्रीन साइज होगा उसके अकॉर्डिंग। और FPS आपको 60 कर देना है। और वायरलेस अगर आप कर रहे हो तो मैं वायरलेस प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट ये जो वायर्ड है इसमें कोई भी इशू नहीं आता, तो आपको ये कर लेना है। और एंड्रॉयड डिवाइस में भी आपको देख सकते हो, आपको एंड्रॉयड जो भी आपका 9+ कर देना। कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, माउस व्हील वगैरह ये सब आप सेटिंग देख सकते हो। रेजोल्यूशन भी इसमें सेम है, और वायरलेस भी कर सकते हो या वायर्ड, दोनों भी कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर से आप। और इसमें हार्डवेयर में आपको ऑटो रखना है, इंजन डायरेक्ट 3D, और ये एंटी अलियासिंग से क्या होगा, आपकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो गाइस ये सब जो सेटिंग्स है, आप इससे रिकॉर्डिंग वाला ये सब आप कर लेना, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स है, आपको इसको सेव कर देना सबसे पहले। और अब आपको जो भी आपका डिवाइस है उसको आपको USB केबल के थ्रू कनेक्ट करना है। इसकी विंडो आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, कट करके नॉर्मली इसको OBS के अंदर इनपुट करना है, ठीक है। जैसे आपकी जो स्क्रीन है इसको आपको OBS के अंदर लाना है। सबसे पहले आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, एक बार यहाँ से फुल स्क्रीन कर लिया। अब आपको अलर्ट और टैब दबा के अपने OBS के अंदर जाना है। तो ये आ गया मैं OBS के अंदर। आपको विंडो कैप्चर सिलेक्ट करना है, और विंडो कैप्चर के अंदर से iPad जो भी आपका डिवाइस है तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब इस डिस्प्ले को हाइड करके आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो देख सकते हो मेरी स्क्रीन है जो आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा इसका टेस्ट करवा देता हूँ, कोई इशू तो नहीं आता इसमें। तो गाइस यहाँ पे आपका गेम आ चुका है, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉर्मल कोई भी गन आपको ऑडियो दिखाता हूँ गाइस, ये देखना बिल्कुल एकदम रियल टाइम ऑडियो, कोई भी डिले नहीं है। गाइज अगर आपके पास आईफोन है और आपको मतलब अगर ऑडियो का इशू आता है, अगर आपको मतलब स्ट्रीम करना है तो आपको मतलब स्प्लिटर वगैरह की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल केबल से आप स्ट्रीम कर सकते हो। पर एंड्रॉयड के लिए भी बेस्ट सॉफ्टवेयर है क्योंकि उसमें डिले बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।